आर यू? सभी लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे। प्रिपरेशन में एक चीज बेटा आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। रिवीजन मींस क्या होता है, समटाइम्स आप क्या करते हो, आप नए नए क्वेश्चन ज्यादा करना चाहते हो, बुरी बात नहीं नए क्वेश्चन करना, लेकिन पुराने क्वेश्चंस को प्रायोरिटी नहीं देते हो। मतलब वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी डन उनका कितनी बार रिविजन किया है। तो होता है ना, जो मैंने करा है वो हमें सिर्फ आता है, क्या हम कर पाते हैं? तो आना और कर पाने में फर्क होता है बेटा। आने में क्या होता है कि जब हम घर पे ही करने कभी बैठते हैं तो उस क्वेश्चन को अगर एक बार में आंसर नहीं निकला तो दो बार में आया, तीन बार में आया, और आंसर जब मैच कर जाता तो हम कहते हैं हमें आता है। लेकिन एग्जाम में ये मौका नहीं मिलता है। एग्जाम में अगर एक बार में क्वेश्चन हो, दोबारा उसको एक बार फिर से ट्राई करने पर ना आया, फिर वो क्वेश्चन आपको वहां पर क्या करेगा, चौपट करेगा, यानी आपका आंसर गलत करेगा, बहुत सारा टाइम किल करेगा, और उसकी वजह से आपके दिमाग में जो अगले कुछ मिनटों तक, इवन कई बार कई एक डेढ़ घंटे तक चलता रहेगा कि यार क्यों गड़बड़ हो गया, वो आपका पेपर भी खराब करता है। तो लपलवा भी निकला कि नए क्वेश्चन ढूंढना, उनको करना, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो आपने कर रखे हैं प्रैक्टिस में, उनको आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, उनमें से क्वालिटी क्वेश्चंस पे किस जगह पर आपने स्टार क्वेश्चन मार्क किया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो जिससे कि आप जब दोबारा रिविजन करें तो कौन से क्वेश्चन करें। ऐसा तो नहीं है कि वही क्वेश्चन जो बिलो स्टैंडर्ड है, एक कहते हैं लॉर्ड्स लेवल के, लॉर्ड्स माने लोअर ऑर्डर थिंकिंग के हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको कि नए क्वेश्चन करने का मुझे मेरा अपना मानना है कि जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें तो आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो टेस्ट में आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं या वो क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो पाते हैं, उनको टेस्ट के बाद करके एक जगह रख लेना, इससे आपको क्या होता है, पॉजिटिविटी सॉलिडिटी दोनों बढ़ती है। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग हियर एंड देयर न्यू क्वेश्चंस, अगर आप टेस्ट में से ही वो क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हुए उनको सेलेक्ट कर लो, उनको फिर से घर पे करो और एक जगह सिक्योर भी रखो, क्योंकि जब तुम्हारा मन हो कि यार ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखें तो वो मौजूद हो वहाँ पर, ऐसा ना हो गायब हो। ठीक है बेटा, अब आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। उससे पहले आप सभी से सजेशन है कि आप सभी लोग अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दे दिया करिए, और अपने मित्रों से कहिए वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। बेटा ग्रेविटेशन में अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें तो इसमें हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन से स्टार्ट लेते हैं। तो स्टार्टिंग हम लेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देयर आर थ्री लॉज, देयर आर थ्री लॉज, तीन लॉज हैं जो केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए समझाया। यहाँ पे आइएगा बेटा, फर्स्ट को कहते हैं, मैं पहले तीनों लॉ लिख दूं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, इसमें हम सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे, राइट? तो ये नोट कर लिया हो, इसको हटाते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है बेटा? सिंपल सी बात है, सबसे पहले केपलर्स ने बताया कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में, अंडाकार आकार में घूमते हैं। तो यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्स बेटे दीर्घवृत्त को हिंदी में कहते हैं, दीर्घवृत्तीय, जैसे अगर हिंदी में लिखें दीर्घ वृत्त कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। तो सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों सर्कुलर पाथ पे नहीं है बेटा, वो दीर्घवृत्त पे हैं, मतलब उनका पाथ जो होगा गोल नहीं है बल्कि हल्का सा अंडा टाइप का है, आगे डिस्कशन में आएगा। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज at one of its foci। बेटा एक इलिप्स में दो फोकस होते हैं, सन उनमें से किसी एक पर होता है ये। तो अगर हम इसको बनाएं यहां पर डायग्राम में, अगर हम शो करें कि व्हाट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, ध्यान रखिएगा
हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर प्लैनेट्स की बात करें तो ऐसे दीर्घवृत्त पे होगा, और तुम्हें तो पता है एक दीर्घवृत्त जिसे कि हम एलिप्स कहते हैं, इसमें दो फोकस होते हैं, एक इधर हुआ S1 या S2 लिख लीजिए, इधर S1। तो कहते हैं प्लैनेट यहाँ इसके सरकमफेरेंस पर या इसके बाउंड्री पर होगा, मानिए प्लैनेट है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और सन इनमें से किसी एक जगह पर होगा, मान लीजिए यहाँ सन है तो इस जगह होगा। ठीक, तो सन किसी फोकस पर होगा उसके, ये आया। तो फर्स्ट इज दिस, तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट आया। सेकेंड इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया जो होता है ये क्या कहता है, ये माय बेस्ट सिंपल बेटा, सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया। अगर हम कहें लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, तो ये सब सिंपल से पहले स्टेटमेंट दें, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ध्यान रखिएगा, एरियल वेलोसिटी, AREAL, एरियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होती है एरियल वेलोसिटी। क्या होगा अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दें तो आप जरा सुनेंगे। जैसे तुम्हें याद है लीनियर वेलोसिटी होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इन द सेम वे एरियल वेलोसिटी होता है एरिया कवर्ड अपॉन टाइम। तो एरियल वेलोसिटी दिमाग में आए तो कहोगे एरिया अपॉन टाइम होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दें, दैट इज डीए अपॉन डीटी इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होगा, डीए अपॉन डीटी कॉन्स्टेंट हुआ, ये लॉ। ठीक बेटा, तो इसका अब आई बात की व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले हम एक्सप्लेन कर दें इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब एक प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे होता है, मान ले सन यहां पर है बेटा, देखो ये सन, एस इज सन, ठीक, तो सन अगर सेंटर पर है या इलिप्स पर, एस को हमने सन से डिनोट किया है, तो अगर प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ पे है तो एक चीज ध्यान रखना, वो हम आगे प्रूव भी कर लेंगे, आपको दिख जाएगा कि जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। जैसे प्लैनेट अगर इस पॉइंट पर है P1 पर, तो इसकी वेलोसिटी अगर हम V1 ले लें ये थोड़ी ज्यादा होगी, और यही प्लैनेट बेटा घूमता 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 सूरज से दूर चला जाएगा, मान ली इस पॉइंट पर है A1 लिख लिया, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, ये V2 इज लेस देन V1, ये वेलोसिटी इससे कम हो जाती है। तो मोटे तौर पे अभी क्या याद रखना है, जो आगे प्रूफ में आ जाएगा, जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है, देखो सन के नजदीक है वेलोसिटी इज मोर, दूर होता है तो कम होती है, क्यों आगे हम बात करें। तो आप देखिएगा, अगर हम मान लें यहां पर प्लैनेट है और उसको एक निश्चित टाइम में तय की गई दूरी हमने तय करने दिया, तो हमने एक मन में टाइम ले लिया कि भाई DT टाइम में देखते हैं ये कहां से कहां तक जाएगा। मान लें ये प्लैनेट DT टाइम में यहां से यहां तक चला गया, ये पॉइंट P2 तक आ गया। ठीक, तो इस समय सन से अगर हम इसको मिलाए तो इसका कुछ एरिया है। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब प्लैनेट सन के नजदीक है वेलोसिटी V1 ज्यादा होती है, जब ये यहां से यहां तक आएगा तो मान ले ये दूरी तय करने में इसको जो टाइम लगा वो DT लगा, इस टाइम में इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर की, इस समय सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन ने जो एरिया कवर किया ये हमें निकाल दिया। ठीक है, अब जाइए दूर वाले पॉइंट पर, इस दूर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी थोड़ी कम है, तो आप खुद इमेजिन कर लो सेम टाइम DT में, अब यहां पर ये इतनी बड़ी दूरी तो नहीं तय कर पाएगा। ठीक, तो अब हम दूर वाले पॉइंट पे आ गए, तो अब वेलोसिटी कम है तो ये थोड़ी कम दूरी तय करेगा, मान ले A2 तक आता। अब देखो प्लैनेट इस पॉइंट पर आ गया, दूर है, वेलोसिटी थोड़ी कम है, तो इसी टाइम में जैसे इसने यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होने से थोड़ी ज्यादा दूरी तय की थी, अब ये थोड़ी सी कम दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक जाने में समय इसने DT ही लिया है, DT टाइम ही लिया है। अगर अब इस समय इसके द्वारा तय की गई दूरी से अगर हम ये यहां पर एरिया कवर्ड फाइंड आउट करें, तो ये जो लॉ है ये जानती क्या कहता है, ये कहता है दिस एरिया शुड बी इक्वल टू दिस एरिया, यानी क्या कहता है,
एरिया कवर्ड बाय लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट इन द सेम टाइम इंटरवल इज सेम, दैट इज एरिया कवर्ड। ये बेटा सब मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है, बाकायदा डेटा से ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करके दिया था। तो एरिया कवर्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन इन सेम टाइम इंटरवल इज सेम। इसका मतलब है एरिया, देखिए दैट इज एरिया एस पी वन पी टू, ये एरिया पी वन पी टू एस इज इक्वल टू एरिया एस ए वन ए टू, एस ए वन ए टू के बराबर, राइट। तो इसका मतलब ये एरिया इस एरिया के बराबर आएगा। अब आपको पता है तो अगर ये एरिया बराबर हो गया, तो अगर आप मान लीजिए हम ले लें इस एरिया को, अगर हम अपनी मदद से अपने चॉइस से लिख लेते हैं, सपोज इस एरिया को लिख देते हैं दैट इज डी ए वन लिख लें और इसको डी ए टू लिख लें, मतलब ये एरिया को हमने डी ए वन लिख दिया, इस एरिया को डी ए टू। अब अगर हम इसको टाइम से जो डिवाइड कर दें, एरिया अपॉन टाइम क्या हुआ बेटा, एरियल वेलोसिटी, इसका मतलब ये एरियल वेलोसिटी और ये एरियल वेलोसिटी सेम हो, ये लॉ ऑफ एरिया है, ठीक है। इसे आप लिख लें, मैं इसे प्रूव भी करता हूं। सन यहां पर है, ऐसे सन बेटा मान लीजिए प्लैनेट यहां पर था, ये ए वन पे था, वेलोसिटी इसकी कुछ भी थी, ए वन से पॉइंट ए टू पर प्लैनेट आ गया, ध्यान रखिएगा ए वन ए टू नजदीक पॉइंट ले रहे हैं, तो ये कुछ डिस्टेंस सरकमफेरेंस पे चलेगा, इसे डी आर ले, ये पोजीशन को आप आर ले सकते हैं, आर ले लें अगर आप, ठीक। तो हमने क्या लिया बेटा, प्लैनेट यहां पर था, डी आर डिस्टेंस को करके यहां पे पहुंच गया, पॉइंट ए टू पे पहुंच गया। आप चाहे पॉइंट्स को पी वन पी टू लिख लीजिए, पी वन पी टू पॉइंट्स थे, तो प्लैनेट यहां पे था, इसकी कुछ वेलोसिटी है, थोड़ी सी दूरी तय करके यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक जाने का टाइम जो है वो डी टी है, टाइम को छोटा ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा प्लैनेट यहां से यहां तक जाता है तो ये कुछ एरिया कवर करता है, ये एरिया का निकाल है। तो देखिएगा एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट बाय द लाइन, पूरा लिख लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट प्लैनेट एंड सन, अगर हम इसे डी ए से लिख लें तो क्या आएगा बेटा बताइएगा, प्लैनेट सन को ज्वाइन करने वाली लाइन ने एरिया कवर किया, ये दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप लिख सकते हैं एस पी वन पी टू। अब आपको कहोगे सर परफेक्ट ट्राइंगल तो है नहीं, ट्राइंगल के लिए ये ऐसे सीधा होना चाहिए, बेटा ध्यान रखिएगा पी वन पी टू बड़े नजदीक है, तो अगर आप देखिए कर्ड पर अगर ये पॉइंट पी वन और ये पी टू है वैसे ज्वाइन करें तो यहां कर्ड जाता है, लेकिन पी टू अगर नजदीक हो बेटा, ये नजदीक हो तो ये सीधी लाइन जाता है, तो हकीकत में पी वन पी टू बहुत क्लोज है, बहुत ही नजदीक, क्योंकि हमने टाइम को बहुत ही छोटा लिया है, इफ टाइम इज वेरी स्मॉल देन दे आर वेरी क्लोज। तो इसको मतलब मैं एरिया एस पी वन पी टू कहूं, ये ट्रायंगल, तो आप इसे ट्रायंगल लेकर चले, तो इसलिए एरिया इक्वल टू ट्रायंगल होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये आ जाता है एरिया इक्वल टू हाफ बेस, बेस बाप देखिए बेटा यार है, और हाइट इसकी बेटा ये, आप इसे ले लें या ये ले लें, दोनों बराबर हैं क्योंकि ये पॉइंट नजदीक है, तो दैट इज एक्चुअली डी आर। वेक्टर फॉर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो एरिया को वेक्टर में बांध लीजिए, इसे भी लिखिए, फिर क्रॉस बनाइए, क्लियर। तो ये देखिएगा डी ए इक्वल टू ये यहां पर है। अब आप ऐसा करो इसमें हाफ मास, ये जो प्लैनेट है बेटा इसका मास अगर हम m मान लें तो m से हम डिवाइड करते हैं और m से हम यहां पर मल्टीप्लाई भी करते हैं, देखो हमने यहां मल्टीप्लाई भी किया, तो वी हैव डिवाइडेड बाय m एंड मल्टीप्लाइड बाय m। हमें एरिया नहीं बेटा, हमें एरिया वेलोसिटी बतानी है, तो देयरफॉर बताइएगा, therefore एरियल वेलोसिटी
वेलोसिटी जिसे हम डी ए अपॉन डी टी लिखते हैं वो लिख लीजिए, अगर आप एरो में लिखना चाहें तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आया, ये एरियल वेलोसिटी में क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी, आप इधर डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी ए बाई डी टी टू वन बाई टू एम आर क्रॉस एम डी आर बाई डी टी, ये आया डी आर बाई डी टी वेलोसिटी हुआ, तो वन बाई टू एम आर क्रॉस एम इंटू बी आया, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी आया, तो ये बेटा वन बाई टू एम आर क्रॉस एम वी को पी लिख लोगे, और तुम्हें अच्छे से याद होगा आर क्रॉस पी जो होता है दैट इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम, तो वेयर आर क्रॉस पी इज इक्वल टू एल यानी एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर रखें तो ये इक्वेशन क्या है, देखो बेटा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू आर क्रॉस पी को एल लिख लो, एल बाई टू एम आया, ये एक तो आपको इक्वेशन भी ध्यान रखनी कि एरियल वेलोसिटी इज एंगुलर मोमेंटम अपॉन टू एम, ये फार्मूला हमारे काम का भी है, इतना लिखो फाइनली से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक लिख लिया, ये डायग्राम ही हटा लेते हैं, आइएगा तो देखो बेटा ये आ गया, अब अगर हम एरो हटा के लिखें देयरफॉर एरियल वेलोसिटी डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम, अब आप देखिएगा तुम्हें याद है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड देन लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, जब सन के चारों प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं बेटा तो उसमें जो टॉर्क लगता है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो यहां पर लिखोगे सिंस टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, यहां पर हेंस L इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, कहां से आया बेटा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L कांस्टेंट है 2m कांस्टेंट हुआ ही, तो इसलिए देयरफॉर dA अपॉन dt इज कांस्टेंट दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये आएगा तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है बट व्हाट इज इट्स वैल्यू, ये भी ध्यान रखना है आपको कि L बाय 2m होता है, ये आपको ये जानते क्या कहता है, ये बेटा ये कहता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, चलिए स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, यानी देखो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi major axis ये semi major axis आपको याद है ellipse में a को small a को लिखते हैं that is a sorry t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आया, ये लॉ है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं t क्या हुआ बेटा, जैसे एक सन के चारों प्लैनेट चक्कर काटता है, एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो 365 दिनों 6 घंटे में काटता है तो उसका वो टाइम पीरियड हुआ, ये कहते हैं स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट इन रिवॉल्विंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, अब हुआ कि ए क्यूब सेमी मेजर एक्सिस क्या हुआ, इक्वेशन वन रख लो, इसका मतलब आप लिख सकते हो टी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यूब हो गया, आप ऐसे लिख लो, चलिए डायग्राम बनाए एलिप्स में, आपको अच्छे से याद होगा ये जैसे एलिप्स था बेटा को याद होगा कि ये बड़ा वाला एक्सिस था इसे मेजर एक्सिस हम लिखते थे, तो ध्यान होगा दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, राइट, इसकी लंबाई जो होती थी वो 2a के बराबर होती थी, ठीक, इसका आधा जो हो जाएगा वो ऑब्वियसली अब a हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस होता था माइनर एक्सिस, इसकी लंबाई आपको ध्यान होगा माइनर एक्सिस की लंबाई 2b के बराबर थी, यहां से यहां तक इट मीन्स ये डिस्टेंस b के बराबर हो गई, ये b हो गई, इट
मींस ये डिस्टेंस ए के बराबर हो गई, इसी को सेमी मेजर एक्सिस लिया गया है। ठीक है, अब एक काम और करिएगा बेटा, आप मान लीजिए सन यहां पर है, ये तो ये जो एलिप्स है इसका आप कह सकते हैं एक तरह से सेंटर है, आप ये मान लो सूरज देवता यहां पर। ठीक है, अब आपको याद होगा इस एलिप्स का जो सेंटर है यहां से सन या फोकस कहिए, क्योंकि एलिप्स से दो फोकस होते हैं, इधर होता है इधर होता है, यहां से बराबर दूरी पे होता है बेटा ये डिस्टेंस तुम्हें याद होगा हम सी से डिनोट करते थे, ये ए ई के बराबर होता है। अगर राइट में एस दिखाओगे वो भी ए ई के बराबर होगा, राइट। तो यहां पर तुम्हें ध्यान होगा कि सी इज इक्वल टू ए ई, जहां पे ई को एसेंट्रिसिटी कहते हैं, एसेंट्रिसिटी। क्लियर यार? एसेंट्रिसिटी क्या होता है, थोड़ा बहुत जानकारी जब हमने बेटा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा है तो वहां पे दिया था, हालांकि मैथ्स का टर्म है इलिप्स मैथ्स में, प्योर एक चैप्टर्स में होता है तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जिसके लिए ज्यादा परेशान मत होइए। तो सी को टू ए आ गया यहां पर है। अब आप एक चीज देखिएगा, सन और प्लैनेट इस सर्कम्फ्रेंस पे होगा बेटा, कहीं होगा। जब प्लैनेट इस जगह पर होगा तो सन से उसकी दूरी सबसे नजदीक की दूरी होगी। इस डिस्टेंस को यानी देखिएगा बेटा, सन से प्लैनेट की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है इसे पेरिजी कहते हैं, और जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है इसे पेरिहेलियम कहते हैं। तो पी इज व्हाट, पी इज नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पोजीशन या पॉइंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन या फ्रॉम द सन। पी इज वॉट बेटा, नियरेस्ट पॉइंट, मतलब यहां पर प्लेनेट और सूरज की सबसे कम दूरी, देखो यहां पर वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है वीपी मान ले, और जब यहां पे प्लेनेट होगा देखो प्लेनेट घूमता वो तो जाएगा, ये सबसे ज्यादा दूरी ये है, और सन से प्लेनेट के लिए जो सबसे दूर का पॉइंट होता है इसे एफिलियन कहते हैं, इस वेलोसिटी को वी ए ले लो। ठीक, तो क्या हुआ, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड दिस इज कॉल्ड पी, एंड इट इज कॉल्ड पेरिहेलियन, पेरिहेलियन आप इसे बोलते हैं। इसी तरह ए देखिएगा क्या हुआ, फार्देस्ट पॉइंट सबसे दूर का पॉइंट है, फार्देस्ट पोजीशन कर लो या पॉइंट कर लो, पॉइंट या पोजीशन, पोजीशन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक, आपको ध्यान होगा बेटा इसका क्या नामकरण होता है, एफिलियन होता है, आप इसीलिए ए से डिनोट किया है, एफिलियन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा सन यहां पर है, प्लैनेट इसके ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, सन से प्लैनेट के बीच की सबसे छोटी दूरी है, जो सबसे नजदीकी पोजीशन प्लैनेट की होती है इसे पेरिहेलियन कहते हैं, और सबसे दूर की जो डिस्टेंस होती है प्लैनेट की सन से इसे एफिलियन कहते हैं। और इस डिस्टेंस को बेटा ध्यान रखिएगा, अगर ये डिस्टेंस अगर आप लिखें, ये सन है, ये डिस्टेंस अगर लिखें हम इसे आरपी लिखें, पी फॉर पेरिहेलियन, तो इसे पेरिजी कहते हैं, और यहां से इसकी डिस्टेंस को लिखें तो ये एपोजी होता है, तो इसे हम लिखेंगे आर ए। ठीक, तो ये आप पॉइंट लिख लो कि इसे पेरिहेलियन इसे एफिलियन कहते हैं, हमें इस डिस्टेंस में इंटरेस्ट है। तो इसका अगला यहां पर आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा फिर बताएं, कर लिए बेटा? ठीक है, तो अब आप देखिएगा हमें इस पेरिहेलियन एफिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट जो है हमें इस पॉइंट पे, आप देखिएगा क्या आएगा, देखो RP इज वॉट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, देखो सन और प्लैनेट की सबसे छोटी दूरी है, RA क्या है, फार्देस्ट डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बेटा पेरिजी कहते हैं, पॉइंट को पेरिहेलियन कहते थे, पॉइंट को पोजीशन को पेरिहेलियन एफिलियन, लेकिन उस दूरी को पेरिजी एंड एपोजी कहते हैं, पेरिजी,
और इसे एपोजी कहते हैं, ठीक है या एनीवे ये टर्म हमें लाने थे, आर ए इज एपोजी, आर पी इज पेरिजी या। अगर इस डायग्राम में ध्यान से देख लो, तुम देखो बेटा आर पी प्लस आर ए 2a के बराबर है। तो इन फिगर अगर आप देखें, इन फिगर अगर आप देखें तो आर पी प्लस आर ए इक्वल टू 2a, देयरफॉर a कैन बी रिटन एज आर पी प्लस आर ए अपॉन 2। तो पता है अगर दो डिस्टेंसेस आर पी और आर ए लेके दो से डिवाइड किया जाए तो इसे हम कह सकते हैं मीन डिस्टेंस। अगर हम आर पी प्लस आर ए अपॉन 2 कहें, दैट वुड बी द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। देयरफॉर दिस कैन बी टेकन एज आर मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, ठीक या। तो बेटा यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो a था कि t square is proportional to a cube, a is replaced by rp plus ra by 2 यानी r से, which is the mean distance between sun and planet से replace किया जा सकता है। therefore आप कह सकते हो equation 1 can be written as square of time period is equal to, आप चाहें तो rp plus ra upon 2 का cube लिख सकते हैं। एक तो ये बात लिख सकते हैं equation 3, और इसको और अगर लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, चार नंबर, या t स्क्वायर इक्वल टू k r क्यूब, जहां k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हुआ। ये तो आप कई बुक्स में ये भी स्टेटमेंट पाते हैं कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो आप जाए तो डेराइट फॉर्म में ले जाए तो वो भी सही है, राइट हुआ। तो आप यहां तक लिख लिए होंगे, तो मैं अगर ये भी स्टेटमेंट लिख दूं तो इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज ए करेक्ट स्टेटमेंट जो अभी मैंने डिलीवर किया था, वो क्या हुआ। देयरफॉर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पीरियड स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, सन एंड प्लैनेट के बीच मीन डिस्टेंस के क्यूब। ये भी स्टेटमेंट हो सकता है। दिस इज द थर्ड, राइट।